हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने वेस्ट पड़े हुए मटेरियल से ये साड़ी का कवर बनाया है। ये मैंने जो हमारी साड़ियाँ पैक होकर आती हैं उस पॉलीथीन का यूज करके बनाया है। इसे मैंने कैरी बैग से बनाया है जो नीचे का हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर है, कितना ही मजबूत है। और इसे मैंने जीरो कॉस्ट में बनाया है। तो इसी तरह से आप काफ़ी सारे बनाकर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक और बनाया था पहले, तो ये देखिए इसमें मैंने दो साड़ियों को रखा हुआ है। इसी तरह से आप बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। ये देखिए, एक साड़ी, दो साड़ी, इसी इन दोनों के ब्लाउज भी हैं और इसमें पेटीकोट भी हैं। तो इसी तरह से आप इनमें दो दो साड़ियाँ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से भी बना सकते हैं आप, या फिर छोटा बना सकते हैं जिसमें आप एक साड़ी रख सकें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस तरह की जो हमारी पॉली बैग आते हैं, इनमें हमारी जो साड़ियाँ आती हैं रखकर, साड़ियाँ या फिर कोई भी हम सामान लेते हैं, कपड़े लेते हैं, उनमें जो पॉली बैग आते हैं, इनकी हेल्प से आज हम साड़ी का कवर बनाएंगे। तो जितना भी बड़ा आपको साड़ी का कवर बनाना है उतना ही हम इसे ले लेंगे, उतनी ही बड़ी हम ले लेंगे। तो मैं इसे फुल साइज में ही बना रही हूँ, जिससे कि इस कवर में मेरी आराम से साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट आ जाए उसी के मैचिंग का। तो जो भी इसका ऊपर का पार्ट है उसे हम निकाल देंगे। अगर आपके पास इस तरह की पॉलीथीन नहीं है तो आप पॉलीशीट भी ला सकते हैं, जो आपको 2 से 3 रुपये में आराम से मिल जाएगी, जिससे आपका साड़ी का कवर आराम से बन जाएगा। तो अब हम अपना कैरी बैग लेंगे, जिसमें हमारी साड़ियाँ या फिर कोई भी कपड़े लेकर आते हैं, इसमें रख कर आते हैं, तो उसको ले लेंगे। तो जो हमने पॉलीथीन ली है प्लास्टिक सीट वाली, उसी के नाप से हम इसे कट कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा हम ऊपर और नीचे और साइडों से इसे एक्स्ट्रा रखेंगे, जिससे कि हम इसे फोल्ड करके सिल सकें। तो इसी के नाप से मैं कट कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए। तो ये देखिए, 1-1 इंची मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है इससे। ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 1-1 इंची मैंने इसे एक्स्ट्रा रखा है, जिससे मैं इस तरह से फोल्ड करके इसके चारों तरफ सिल सकूं। एक साइड में हम चेन लगाएंगे और 3 साइड में हम इस पर सिलाई करेंगे। तो इसके साइड से किनारियां भी मैं निकाल लेती हूं, जिससे कि ये अलग हो जाए, या फिर आप डबल करके भी इसे लगा सकते हैं। तो जो भी एक पार्ट को मैंने निकाल दिया है, इसमें मैं सिंगल ही लूँगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे सेंटर में रखेंगे पॉली बैग को, और इसकी हम इस तरह से किनारियों को फोल्ड करते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो 3 साइड से हमें इस पर सिलाई लगानी है, तो उसे हम 3 साइड से लगा लेते हैं सिलाई को। तो ये देखिए, इस पर मैंने 3 साइड से सिलाई लगा ली है इस तरह से फोल्ड कर कर, इस साइड से भी और इस साइड से। इस साइड से मैंने इसे ओपन ही रखा है, क्योंकि इसमें मैं जिप लगाऊंगी। आप चाहे तो इस तरह से, अगर आपके पास जिप नहीं है तो आप इसे यहाँ से फोल्ड कर दें और इसे थोड़ा ओपन ही रखें। इस कैरी बैग है उसे आप इस तरह से फोल्ड कर दें, और इस पॉलीथीन को आप ना सिलें। अगर आपके पास जिप है तो आप उसका उपयोग भी इसमें कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक साड़ी का कवर ख़राब हो गया था, उसमें से ही मैंने इस जिप को निकाल दिया है। ये देखिए, ये निकली हुई जिप है। तो मैंने यहाँ पर साइड साइड से इसको नहीं सिला है। तो अब हम पॉलीथीन को, जो पॉली बैग है उसे लेंगे और उसके नीचे हम इसे इस तरह से फिट कर लेंगे, तरीके से। और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम अभी कट कर लेते हैं। तो इतना हमारा एक्स्ट्रा है।
तो यहाँ पर पॉलीथिन पर जो हमारा पॉली बैग है उस पर और जो जिप है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए जो पॉली बैग है इसे हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर रखते हुए हम पॉली बैग और जो हमारी जिप है उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसे मैं सिल लेती हूँ, ये एक सिलाई लगानी है इस तरह से रखते हुए। पॉली बैग को और जिप को दोनों को एक साथ ही सिलना है, एक साइड से, एक साइड से हम अभी बाद में सिलेंगे। तो ये देखिए एक साइड से मैंने इसको सिल लिया है, ये देखिए एक साइड से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसे यहाँ से फोल्ड करते हुए सिलेंगे, यहाँ से फोल्ड कर देंगे और जिप के ऊपर हम इसे इस तरह से रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से जिप के ऊपर रखेंगे और इसे भी हम यहाँ तक सिलकर कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से रखकर। तो इसे मैं सिल लेती हूँ। तो ये देखिए ये कवर मेरा सिल गया है और इस तरह से मैंने इसमें जिप लगाई है। इसमें आप साड़ियाँ भी रख सकते हैं या फिर आप साड़ियाँ नहीं पहनते हैं सूट भी रख सकते हैं। तो मैं आपको साड़ी रख कर दिखा रही हूँ इसमें। तो ये देखिए इस तरह से इसमें आप ब्लाउज भी रख सकते हैं साड़ी के साथ और इसी में आपका पेटीकोट भी आ जाएगा। तो आप सभी सामान को, साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट को सभी को आप एक साथ ही रख सकते हैं और इस तरह से जिप को बंद कर दें और आपका सामान सेफली बना रहेगा। तो ये देखिए ये हमारा कितना ही सुंदर सा साड़ी कवर बन गया है, वो भी वेस्ट पड़ी हुई साड़ी, वेस्ट पड़ी हुई पॉलीथीन की हेल्प से, कैरी बैग की हेल्प से। तो आपने देखा होगा जीरो कॉस्ट में हमने कितना ही सुंदर सा ये साड़ी कवर बना लिया है और इसे हमने बहुत आसान तरीके से बनाया है। तो अब भी इसमें काफ़ी सारा स्पेस है, आप इसमें एक पेटीकोट भी डाल सकते हैं, ये देखिए काफ़ी सारा स्पेस है। आप इसमें पेटीकोट, चूड़ियाँ एक साथ रख सकते हैं और कहीं जा रहे हैं तो इसमें आप उसके साड़ी के पूरे मैचिंग का सामान रखकर भी ले जा सकते हैं। इसी तरह से आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।